हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो। हमारे टेक्निकल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में ये सीखेंगे कि अपने आधार कार्ड का एड्रेस, फादर नेम, हस्बैंड नेम को कैसे चेंज करें अपने फ़ोन से ही घर बैठे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल पर लिखेंगे आधार। आधार लिखने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेयर आएगा, आपको यहाँ पर आएगा ऑफिशियल वेबसाइट आधार कार्ड का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा कुछ ऐसा इंटरफेयर आएगा। तो स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, एक अपडेट आधार, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेयर आएगा तो आपको यहाँ पर जो ऊपर से तीसरा नंबर है अपडेट एड्रेस इन योर आधार, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेयर आएगा, देख सकते हैं, वेलकम टू माय आधार, ये नया वाला लिंक है। यहाँ पर आ जाएंगे आप और आपको इस पर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पर कैप्चा है जो इस कैप्चा में डालेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं इसमें और वीडियो में बने रहिएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपका जो भी कैप्चा है आप इसमें फिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन बना हुआ है, ये वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। दोबारा आ जाएगा कैप्चा और आपको उसमें डालना है। चलिए तो इसमें डालते हैं, कैप्चा जो है जैसे लिखा हुआ वैसे ही डालना है आपको। और उसके बाद सेंड ओटीपी पर जो ये बना हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे जो भी आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी को आपको इसमें फीड करना है। और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है आपको। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेयर आएगा, देखिए सबसे पहले सर्विस लिखा हुआ है। सर्विस के अंदर आता है कि डाउनलोडिंग आधार, ऑर्डर आधार पीवीसी, और तीसरा नंबर है आपका जो करना है हमें एड्रेस और फादर नाम या हो या हस्बैंड नाम को चेंज करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार जो कॉलम बना हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर घर बैठे ही हमें क्या करना है, एड्रेस को चेंज करना है तो इस वाले कॉलम जो है आपको इस पर टिक करना है। तो चलिए इस पर टिक करते हैं। टिक करने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार, आपको इस पर क्लिक करना है। आधार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाम आ जाएगा जिस पर्सन का आप कर रहे हैं और जिसका यहाँ पर करना है, ठीक है। तो केयर ऑफ में मैं डाल देता हूँ जो भी नाम डालना है हमें। और ध्यान से डालिएगा स्पेलिंग सही से चेक कर कर कर, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा आपका, इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो। हाउस नंबर है आपका तो हाउस नंबर डाल सकते हैं, बिल्डिंग नंबर, अपॉइंटमेंट नंबर तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। उसका आ जाएगा यहाँ पर हिंदी में, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्ट्रीट रोड, लैंडलाइन, अपना गली, एरिया जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं।
और इसके बाद एरिया लोकेशन है, यहाँ पर क्षेत्र सेक्टर है, लैंडमार्क है, डालना चाहते डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है आपका एरिया का, पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा विलेज टाउन। तो यहाँ पर जो भी आपका गांव है इसमें से आप डाल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरा देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आपका फीड हो जाएगा। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे आपके एरिया का सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, सॉरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले इसमें जो भी आपका डॉक्यूमेंट, आधार लेटर, आधार सर्टिफिकेट बाई इंस्टीट्यूट से, बैंक स्टेटमेंट है, बैंक पासबुक है, इसमें से सर्टिफिकेट विलेज पंचायत है, जितना डॉक्यूमेंट है इसमें डाल सकते हो। तो मैं इसमें अपना वोटर आईडी कार्ड डाल देता हूँ कस्टमर का। सबसे नीचे यहाँ पर देखिए है वोटर आईडी कार्ड, और इस पर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए व्यू जो लिखा हुआ, व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एक और है, क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फ़ोन के अंदर जिस फाइल में है आप रखे हैं जो डॉक्यूमेंट जिसका करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 100% ग्रीन शो करने लगा, और आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर आइकॉन बना हुआ ये, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डाटा अपडेट किए हैं इसके अंदर प्रीव्यू में शो कर रहा है। आप एक बार सही से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको आगे जाना है। नहीं तो यहाँ से आप एडिट अपडेट एड्रेस गलत हो गया तो यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो आप ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लग जाए अच्छी बात है। ठीक है, मुझे मेरा सही है। और उसके बाद ये दोनों जो टिक बना हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया यहाँ, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका एक और आई हैव कन्फर्म डेट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। और इसके बाद आपको इस वाले कॉलम पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर शो कर रहा देखिए मेक पेमेंट का ऑप्शन, और आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए कुछ ऐसा इंटरफेयर आएगा, आप जिससे करना चाहते हैं कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट से, नेट बैंकिंग से या पेटीएम से, जिसकी जिससे आपको मर्जी है उससे कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये लगेगा, और घर बैठे ही अपना एड्रेस, फादर नेम और हस्बैंड का नेम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं यहाँ से वॉलेट, UPI या पेटीएम से भी कर सकते हैं। चलिए अपने पेमेंट को कटाते हैं पेटीएम से, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका नंबर पर जो भी फ़ोन पे नंबर, सॉरी पेटीएम नंबर है, इसमें डालेंगे। डालने के बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा, और मैसेज वो जो है कोड आपको इसमें डालना है, और वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके बैंक के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं आपको उसका पासवर्ड डालेंगे, और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैसा कट जाएगा यहाँ से, देख सकते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट आपका आधार कार्ड साइड पर आ जाएगा। आधार कार्ड साइड पर आ जाने के बाद यहाँ पर कुछ टाइमिंग लेगा ये, देखिए हमारा पेमेंट डन हो गया सक्सेसफुल। और यहाँ से अपना जो भी रिसीविंग है आप यहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। देखिए ये डाउनलोडिंग कर दीजिए, ये रिसीविंग आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पहले का नाम है और अभी का नाम है यहाँ पर, ठीक है।
तो आप जब भी अपना एड्रेस आधार कार्ड में चेंज कराते हैं तो सबसे बेस्ट है आपका पेटीएम। पेटीएम से पेमेंट कटाइए और कुछ भी इशू नहीं होता है, और वहाँ से अपना अच्छे से पेमेंट हो जाएगा। आई होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे घर बैठे ही अपने फ़ोन से ही आधार कार्ड में अपना एड्रेस, फादर नेम, हस्बैंड नेम तो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में यही था। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपका दोस्त फ्रेंड घर बैठे ही अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं आधार कार्ड में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।